नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी समदर्शी, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज मैं खड़ी हूँ राम कुमार ज्वेलर्स के यहाँ पर, जहाँ हम जानेंगे कि दरी किस तरीके से बिक्री की है। आइए मेरे साथ और जानते हैं। हम अंदर आ चुके हैं और सर से जानेंगे। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। फर्म का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, राम कुमार अग्रवाल ज्वेलर्स, और आप यहाँ आ चुके हैं और ये धनतेरस का फेस्टिवल है और आज लोग अच्छे से ख़रीदारी कर रहे हैं। कोरोना का मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट है, तो अच्छे से चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। सर, इस बार धनतेरस पे जनता जानना चाहेगी कि धनतेरस पे सोना चांदी ये सारी आभूषण क्यों ज़रूरी होती है। देखिए, आज के दिन चांदी और सोना खरीदना बहुत शुभ माना गया है, तो लोग खरीदते हैं और इससे उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और धन धान्य होते हैं, वेल्थ बढ़ती है। सर, इस बार ऐसा तो नहीं है कि कोरोना काल के चलते यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आई है कि रेट में उतार चढ़ाव? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मार्केट बहुत स्टेबल चल रहा है। और देखिए, धनतेरस के साथ साथ क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और प्लस वेडिंग सीजन है, तो उसका पूरा इफेक्ट आ रहा है। एवरीथिंग इज वेरी गुड, परफेक्टली साइन चल रहा है। साथ ही साथ खरीदारों से भी जानते हैं कि धनतेरस में जनता ने क्या शॉपिंग की है। सर, जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन अभी होके चुका है, धनतेरस आई है, तो क्या खरीदारी हो रही है इतनी तेजी से? अभी जैसे थोड़ी बहुत हो ही रही है दिवाली पे, जैसे आप देख रहे हैं धनतेरस चल रहा है, कोविड चल रहा है, बट तब भी सही चल रहा है एंड अच्छा खासा चल रहा है, बट देखते हैं कैसे चलता है। मैम, जब खरीदारी करने लोग आते हैं तो क्या लोगों को आप किस तरीके से रुझान करती है कि धनतेरस पे ये ज्यादा चीज अच्छी है? ज्यादातर खरीदारी किसकी होती है, गोल्ड की या चांदी? दोनों की बराबर है। हाँ जी। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, चांदी या गोल्ड? ऑब्वियसली सिल्वर। धनतेरस पे बोला जाता है कि चांदी की मांग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गोल्ड, ऐसा क्यों होता है हमें नहीं पता। साथ ही साथ लोगों से भी पूछते हैं, मैम आपने इस टाइम गोल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं या चांदी आज के दिन? ऑफ कोर्स गोल्ड। अच्छा, गोल्ड ज्यादा बेटर, अच्छा लगता है, पसंद है, या फिर इस टाइम में भी गोल्ड ही ज्यादा? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आज ट्रेडिशन है धनतेरस पे परचेस करने का, ठीक है हम लोग चांदी परचेस कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड का अपना एक अलग मजा है। गोल्ड का ज्यादा अपना कुछ अलग मजा होता है। मैम, क्या लगता है, चांदी ज्यादा बेस्ट है या गोल्ड? गोल्ड, मैम गोल्ड बेस्ट है। यस मैम। अच्छा, चांदी और गोल्ड में पैसे का भी हेर फेर? हाँ मैम, पैसे का तो हेर फेर रहता ही है मैम, ये वेट टू वेट चेंज रहता है। हाँ, वेट टू वेट चेंज रहेगा। लेकिन धनतेरस में जो मेन पर्पस होता है उसका पर्पस है सिल्वर का, जो मेन पर्पस होता है वो है सिल्वर का। मैम, जानना चाहेंगे कि धनतेरस में गोल्ड से ज्यादा सिल्वर को तजुर्बा क्यों दिया जाता है? क्योंकि पूजा में सिल्वर का ही पूजन होता है, इसलिए पूजा में सिल्वर। लेकिन लोग ज्यादातर गोल्ड प्रेफर करते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। शुभ होता है, शुभ होता है अक्षय उस पे, धनतेरस पे। कितनी किस तरीके से बिक्री हो रही है कोरोना काल के बाद, अब ये हुआ है तो क्या कस्टमर्स आ रहे हैं? हाँ, अच्छा है, ठीक है, रिस्पांस अच्छा है। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल कितना भी ऊपर हो, लेकिन हाँ, खरीदारी और त्योहार में हमारे कभी कभी नहीं आ सकती। राम कुमार ज्वेलर्स जी के दुकान का सफर खत्म कर अब हम पहुंचे सराफा मार्केट में, जहां हम जानेंगे कि धनतेरस की कैसी तैयारी चल रही है। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि धनतेरस की तैयारी कैसी चल रही है। धनतेरस की तैयारी बढ़िया चल रही है, सब लोगों में आओ से, दो दिन की धनतेरस है, आज ही मनाई जा रही है, कल भी मनाई जाएगी। सर, धनतेरस में सोना और चांदी क्यों शुभ माना जाता है? चांदी दोनों को खरीदना शुभ है। सर, क्यों है खरीदना शुभ, वही जानना चाहती है। ये पुरानी रीति रिवाज के ऊपर चला रहा है। सर, ज्यादातर लोग गोल्ड ज्यादा पसंद करते हैं या फिर सिल्वर? सिल्वर, चांदी ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि धनतेरस के दिन चांदी ज्यादा पसंद की जाती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। धनतेरस पे सोना चांदी का तो अहम भूमिका होती ही है, लेकिन बात करते हैं बर्तनों की, तो
जानते हैं कि बर्तनों की दुकान पे किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है। सर पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मुझे प्रभात किशोर अग्रवाल कहते हैं। ये फर्म हमारी 85 साल पुरानी है। सन 1936 से फर्म बराबर चल रही है। सर जानना चाहेंगे कि धनतेरस के त्यौहार पर भीड़ किस तरीके से उमड़ती है। ये त्यौहार मनाने का उत्साह है लोगों का, हमारा भी है, और अपने त्योहारों को उत्साह से मनाना भी चाहिए। इसीलिए ये भीड़ भी है और एक परंपरा चली आ रही है, तो उस चीज को हम लोग भी निभाया करते हैं। सर धनतेरस पे बर्तनों का क्या भूमिका होती है? मेटल खरीदने का लक्ष्य होता है, चाहे वो चांदी लें, सोना लें, तांबा लें, पीतल लें, तो समय समय पे जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई, अब आदमी नॉन स्टिक की तरफ ज़्यादा आ रहा है, प्रेशर कुकर ले रहा है, तो पहले तो चांदी का सिक्का ही आदमी लेना चाहता होगा, अब जंगल जरूरत के हिसाब से आदमी मेटल लेता है। सर जानना चाहेंगे कि धनतेरस पे चांदी का क्या रोल होता है? हम लोगों को पुराने कल्चर में चांदी और सोना का लेना लक्ष्य माना गया है, और दिवाली पर इसका पूजन होता है चांदी के सामान का, जैसे लक्ष्मी गणेश जी होते हैं और सामान होता है उनका पूजन होता है, और उसमें चांदी का सिक्का लेना एक हिंदू परिवारों में परंपरा रही है, अनिवार्य रूप से। मैम बात करते हैं दियो की भी, तो दियो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है धनतेरस की और दिवाली के? दियो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है क्योंकि ये जगमगाते रहते हैं, और दियो से सबसे अच्छी बात है कि मोदी जी ने जो कहा है लोकल फॉर वोकल, उसमें यह है कि दोनों के घरों में दिए जलते हैं, हम खरीदेंगे हमारे घर में जलेंगे, जो बेचेंगे उनके घर में दिए जलेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है दिए जलाना खरीदना। अब हमारे साथ में छोटी बच्ची भी यहाँ मौजूद है जो धनतेरस के त्यौहार पे पीछे नहीं होती अपनी बातों को लेकर। मुझे दिवाली बहुत पसंद है, हैप्पी दिवाली और दीवन। कितने प्यारा संदेश दिया है कि कोरोना काल में लेकर कितने प्यारा संदेश दिया है हैप्पी दिवाली एवरीवन। और साथ ही साथ जनता से भी पूछ ही लेते हैं कि खरीदारी में किस तरीके से हेर फेर हुआ भी है कोरोना काल में? होता है पूजा होती है तो वो पूजा करी जाती है, बर्तन से नए बर्तन से तिलक होता है, पूजा होती है, उसमें जो धन कहते हैं बहुत गणेश जी आते हैं, चांदी सिक्का होता है, जो अच्छा धनतेरस का मेन मकसद क्या होता है? मेन मतलब जो होता है मतलब चांदी सिक्का है, पूजा करे जाते हैं, नई थाली होती है, नई कलश होता है, जो पूजा होती है। अच्छा कहते हैं कि धनतेरस जो है पूजा करने से धनवंतरी हो जाते हैं, ऐसा क्या सच है? हाँ तो वो अब जो चढ़ाएगी पूजा होता खाएगी है, सच ही बताइए होते पक्के हैं। अच्छा तो आंटी ये बताइए कितने सालों से आप पूजा कर रही हैं? काफी साल हम बताए जैसे हम शादी हुई जैसे पूजा ही हो रही है। कितने साल हो गए शादी को? हमारी शादी को होगा करीब ऐसे 35 साल हो गए। तो आंटी सच से बताइएगा धनवान सच में हो रही है? अब हो ना हो तो पूजा तो पूजा ही करी करी जाती है, हम साथ होना चाहिए, पूरे पूजा होली होती है, लोग खेलते हैं तो वो भी होली होती है ना, बहुत अच्छी बात यही हो तो होली दिवाली बहुत अच्छी बात हमने बताई है कि पूजा पाठ दिल से की जाती है, बाकी तो त्यौहार होते ही रहते हैं। मैं शिवानी संतोषी अपनी सहयोगी सप्तक के साथ सुधीर करेगी।